नेक्स्ट रिपोर्ट हमारे पास ऑप्शन है रिफंड स्टूडेंट रिपोर्ट। जो भी स्टूडेंट्स हमने रिजेक्ट किए हैं उनका मान लीजिए कोई एडिशनल, पहले स्टार्टिंग में आपने कोई एडमिशन फीस वगैरह लिया है तो उनको आप यहाँ से रिफंड भी कर सकते हैं। पेमेंट बोर्ड से अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से उनको अमाउंट रिफंड भी कर सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट मेरे पास शायद ही कोई स्टूडेंट होंगे इसमें जिसका मैंने एडमिशन फीस या कुछ लिया हो, जिसको मैंने रिजेक्ट किया हो, तो यहाँ पे डेटा आपका शो हो जाता है। प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट बेसिकली हमारा यूज़ होता है कि कितने प्रोस्पेक्टस हमारे इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आए हैं, यहाँ से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं प्रोस्पेक्टस के। देन स्टूडेंट रिपोर्ट, ये दो स्टूडेंट रिपोर्ट का नेम आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट वन इज स्टूडेंट करेंट रिपोर्ट, लास्ट ये फोर्थ वन इज स्टूडेंट रिपोर्ट। स्टूडेंट रिपोर्ट बेसिकली आपको किसी भी स्टूडेंट का पास्ट, मतलब एक पूरा फ्लो बताता है कि वो कहाँ कहाँ से होके आया। नर्सरी के बाद सेक्शन ट्रांसफ़र किया उन्होंने, नर्सरी ए से नर्सरी बी, और क्लास वन क्लास टू प्रमोट हुए, रजिस्ट्री में जो भी हुआ है। तो यहाँ पे आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का देखना है तो आप उनका भी देख सकते हैं। फ्रेश एडमिशन है करके यहाँ पे न्यू एडमिशन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, और मान लीजिए आपको पिछले साल का डेटा, करेंट स्टूडेंट करेंट रिपोर्ट में आपको कभी भी पिछले साल का डेटा नहीं दिखता है। इसमें मैं अगर 2021 करूँगी तो वो बताएगा कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स प्रमोटेड, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए 2021 के पूरे स्टूडेंट्स प्रमोट हो गए करके करेंट रिपोर्ट में दिखाता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप स्टूडेंट रिपोर्ट में देखेंगे तो आपको बताएगा कि 2021 में आपकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी। यहाँ पे आप 2021 करके देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि टोटल स्ट्रेंथ आपकी कितनी थी, न्यू एडमिशंस क्या थे, यहाँ से आप वो चीज़ देख सकते हैं। प्रमोटेड, एडिट, ट्रांसफर, डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, ये पास आउट, ये पूरे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपको सिर्फ न्यू रजिस्ट्रेशन देखना है तो आप यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट्स के न्यू रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्या फ्लो हुआ है वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टीसी एंड सीसी रिपोर्ट, कितने बच्चों को हमने टीसी इशू कर दिया है, सीसी इशू कर दिया, यहाँ से आप वो देख सकते हैं। इशूड देखना है, इशूड देखिए, फील्ड देखना है, फील्ड देखिए, या फिर कैंसल देखना है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। रिलीजन एंड कास्ट रिपोर्ट, ये बेसिकली यूज़ होता है आपके डिपार्टमेंट वाइज जो आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना रहता है। यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं, हिंदू मेल फीमेल टोटल, मुस्लिम मेल फीमेल, सिख इस क्रिश्चियन, इस तरह से आपके सामने पूरे रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल काउंट शो कर देता है। ओवरऑल लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, ओवरऑल लिस्ट में हमारे पास आप डिपार्ट या आप कोर्स लेवल सेलेक्ट कर लीजिए, वैसे भी देख सकते हैं, या फिर आप राइटली क्लिक कर दीजिए तो आपको बता देगा कि कौन से क्लास के कौन से सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं। ये भी आपको आपके स्टूडेंट काउंट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। मल्टीपर्पज़ रिपोर्ट बेसिकली यूज़ होता है कि आप कौन से टाइप का निकालना चाहते हैं। हमने ऑलरेडी एडमिशन सेल में निकाला हुआ है, बीपीएल स्टूडेंट, स्टाफ वार्ड डाला हुआ है, सिंगल चाइल्ड, सिंगल गर्ल चाइल्ड, सिबलिंग, इसमें से अगर आपको बीपीएल स्टूडेंट्स निकालना है तो आप 21-22 करिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके बीपीएल स्टूडेंट्स कितने हैं स्कूल में। अभी मैंने टेस्टिंग डेटा में सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स फीड किए हैं, अगर आप मल्टीपल स्टूडेंट्स डालेंगे अच्छे ह्यूज अमाउंट में तो आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा, प्लस आप डिपार्टमेंट वाइज, हाँ सॉरी, कोर्स लेवल वाइज भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लॉग इन डिटेल्स। लॉग इन डिटेल्स बेसिकली स्टाफ और स्टूडेंट के लिए यूज़ होता है। अगर आप स्टाफ को ईआरपी यूज़ करने देते हैं या फिर मोबाइल ऐप यूज़ करने देते हैं तो उनको इंडिविजुअली आपको यूज़र नेम पासवर्ड बताने की ज़रूरत, प्रोफाइल ओपन कर करके करने की नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने ये रिपोर्ट दिया है। यहाँ से आप स्टाफ नेम देखिए, उनका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, आप बता सकते हैं। सिमिलरली आप स्टूडेंट करिए, स्टूडेंट करके व्यू करिए तो पूरे स्टूडेंट्स के उनके रजिस्टर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से आप निकाल के क्लास वाइज टीचर्स को या फिर स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली भेज सकते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा रिपोर्ट सेक्शन।